Parents and dear students, good morning all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, we have read the half part of this story. Today we will continue the remaining part of In the Kingdom of Fools. तो जब bricklayer ये बताते हैं कि जो dancing girl है वो बार बार अप एंड डाउन कर रही थी मेरे सामने, तो मेरा जो माइंड था वो पूरी तरह से सेट नहीं था दीवार को सही से बनाने में, इसलिए ये दीवार अच्छी नहीं बनी और वो गिर गई. तो यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इन टू इट. अब राजा तो स्टूपिड था ही, उसने कहा या तुम ठीक कहते हो. अब केस और गहरा होता जाता है क्योंकि एक के बाद एक अपराधी निकलते जाते हैं, तो केस और गहरा होता जाता है. वी मस्ट लुक इन टू इट, हम इसके ऊपर जांच करेंगे कि वो जो लड़की थी वो कौन थी. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना इतना आसान नहीं है. लेट अस गेट दैट डांसिंग डांसर वेयर एवर शी इज, चलो जहाँ कहीं भी है उसको, उस डांसर को अभी मेरे सामने पकड़ करके लाओ. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब डांसिंग गर्ल क्या हो गई थी, एक बूढ़ी औरत हो गई थी. केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई कोर्ट में आई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम. यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. अब राजा ने उससे क्वेश्चन पूछा डांसिंग गर्ल से कि क्या तुम जानती थी, क्या तुम अप एंड डाउन कर रही थी उस गली में. कई साल पहले की बात है जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था और तुमने उसको देखा, तो क्या तुम क्यों कर रही थी ये सब. यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. अब डांसिंग गर्ल ने कांपते हुए बोला, हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं क्यों वहाँ पे अप एंड डाउन कर रही थी. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो राजा ने कहा कि हाँ, तो आपने वहाँ पे अप एंड डाउन किया, बार बार चक्कर लगाए और आपकी पायल जिंगलिंग कर रही थी, खनक रही थी. यू आर यंग, तुम जवान थी. एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उस ब्रिकलेयर का जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट किया, वो वहाँ से हटाया. सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक गलत दीवार बना दी. इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू हैव टू बी पनिश्ड, तुमने एक इनोसेंट व्यक्ति को मार दिया. कौन इनोसेंट व्यक्ति मरा, जो चोरी करने गया था, क्योंकि जो ब्रिकलेयर है उसने गलत दीवार बना दी, गलत दीवार उसके ऊपर गिर गई और उससे वो इनोसेंट व्यक्ति मर गया, और अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माय लॉर्ड वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ही वाज अ लेजी स्काउंडल. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. अब उसने थोड़ी मिनट सोचा, उस डांसिंग गर्ल ने थोड़ी देर तक सोचा, और फिर एक मिनट के बाद उसने कहा, my lord, wait, थोड़ा रुकिए. I know Now, why I was walking up and down that street, मुझे अच्छी तरह से याद आ गया कि मैं उस गली में उस दिन अप एंड डाउन इधर उधर क्यों कर रही थी, बार बार वहाँ से क्यों आ जा रही थी. I had given some gold to the goldsmith, मैंने कुछ गोल्ड goldsmith को दिया था. And to make some jewelry for me, जिससे कि वो कुछ ज्वेलरी मेरे लिए बना दे. He was a lazy scoundrel, वो बहुत ही स्काउंड्रल मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान आदमी था.
ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाए. कि क्या कहा उसने, ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन. अभी वो आज देगा कल देगा, आज देगा कल देगा, ये एक्सक्यूजेज बनाए, कल आना आज आना, एंड सो ऑन ऑल डे. और इसी तरह से वो सारे दिन उन दिनों यही बहाना बनाता रहा कि तुम कल आना और मैं कल नहीं दे पाया, ये नहीं कर पाया, बहुत सारे एक्सक्यूजेस उसने बनाए. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, और उसी ज्वेलर ने मुझे इतनी बार उस गली में आने जाने पर मजबूर किया. दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही कारण था कि इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट. ये तो उस सुनार की गलती है, उस गोल्ड स्मिथ में सुनार, ये तो उस सुनार की गलती है जिसने मुझे ऐसे रोज आने जाने पर मजबूर किया. पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग. वेयरिंग द एविडेंस, अब प्रूफ को अपने माइंड में रखते हुए राजा ने कहा, पुअर थिंग, बेचारी लड़की, शी इज एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल सही कह रही थी, यानी कि अब तो वो ओल्ड हो चुकी थी कि बेचारी औरत बिल्कुल सही कह रही है. थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस, प्रूफ को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि प्रूफ के सामने, सबको सामने रखते हुए राजा ने कहा, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्ड स्मिथ वेन एवर वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, जहाँ कहीं भी गोल्ड स्मिथ छिपा है उसको तुरंत लेकर के आओ, हमें कल्प्रिट मीन्स अपराधी, जो वास्तविक अपराधी है वो मिल गया है, आखिर हम अपने एम में कामयाब हो चुके. द किंग्स बेलिफ्स, अब बेलिफ्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अ लॉ ऑफिसर हु मेक्स श्योर दैट द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट आर ओबेड, ऐसे ऑफिसर जो ये बताते हैं कि जो कोर्ट के ऑफिस डिसीजंस हैं वो मान्य हो गए. तो जो वो जो थे बेलिप्स जो थे वो सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने गोल्ड स्मिथ को ढूंढना शुरू कर दिया. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अब वो कहाँ छिपा हुआ था, अपनी शॉप की के कोने में छिपा हुआ था. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना कि उसके विरुद्ध कोई अपराध है, तो ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास भी एक स्टोरी थी कहने के लिए, उसने क्या स्टोरी बताई, माई लॉर्ड ही सैड, उसने कहा, महाराज आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, they had a wedding coming and they wouldn't wait, you know how impatient rich men are. ab usne to phir jeweler ne kaha, my lord, he said, I am poor goldsmith, main to ek gareeb sunar hu, it's true I made this dancer come many times to my door, ye to sach hai ki maine kai baar is dancer ko apne darwaje par aane ke liye majboor kiya. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने इसको कई बार अपने दरवाजे पर आने के लिए कहा, क्योंकि I couldn't finish making her jewelry, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी पहले नहीं बना सका, बिफोर, क्योंकि आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि रिच मर्चेंट ने मुझे ऑर्डर दिए थे कि वो पहले मैं उनकी ज्वेलरी बनाऊँ. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ पे कोई मैरिज आ रही थी, एंड दे वुडंट वेट, वो इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, इम्पेशेंट मीन्स अधीर, कि कितने अधीर होते हैं ये जो रिच मैन होते हैं, उनको हर काम जल्दी चाहिए, उनको हर काम समय पे चाहिए, तो उनके कहने पर, उनसे डर करके मैंने उनकी ज्वेलरी पहले बनाई और इस डांसर को मैंने बार बार कल परसों आने के लिए बोला. हु इज दिस रिच मर्चेंट,
who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब राजा कहते हैं कि who is this rich merchant? ये अमीर मर्चेंट कौन है? Who kept you from finishing this poor woman's jewelry? जिसने इस बेचारी औरत की ज्वेलरी बनाने से तुम्हें देर लगाई. Made her walk up and down. वो रोज चक्कर काटती रही तुम्हारे यहाँ पे. Which distracted this bricklayer. जिस डांसर ने इस ब्रिकलेयर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया, आकर्षित किया अपने तरफ. विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने गलत दीवार बना दी. विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो उस इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उसको जान से मार दिया. कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, it wasn't me but my father who ordered the jewelry, his dad. I'm innocent. अब गोल्ड स्मिथ ने जब नाम बताया मर्चेंट का, तो मर्चेंट जो थे, ही वॉज नन अदर, और कोई नहीं थे, ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, वो वही मर्चेंट थे जिनके घर की दीवार उस व्यक्ति पर गिरी थी और वो चोर पर गिरी थी और वो मर गया था. नाउ जस्टिस हैड फुल सर्किल, अब साइकिल जहाँ से चली थी वहीं पर घूम करके आ गई. यानी कि केस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर घूम करके आ गया, क्योंकि ये वही मर्चेंट था जिसकी दीवार गिरी थी, जिसकी दीवार गिरने से चोर मरा था. तो अब मर्चेंट, अब राजा सोचते हैं, थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, मर्चेंट को वापस बुला. व्हेन ही वाज रूडली समंड बैक टू द कोर्ट, जब उसको बड़ी ही बुरी तरह से, बड़े अभद्र तरीके से बुलाया गया कोर्ट में, तो ही अराइव्ड क्राइंग, अब वो रोता हुआ आया. आई वॉजंट मी, इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी. देखो महाराज, मुझे क्षमा करो, ये मैं वो नहीं था जिसने दीवार बनाई थी, ये तो मेरे पापा की दीवार थी, मेरे फादर ने ये दीवार बनवाई थी. हिज डैड, अब वो मर चुके हैं. आई एम इनोसेंट, और मैं निर्दोष हूँ. ऐसे करके उसने एक्सक्यूजेज दिए, किसने, मर्चेंट ने. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर, ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस. आई न्यू एट वंस इवन वैन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू that you were at the root of this horrible crime, you must die. तो अब क्या कहते हैं राजा? But the king consulted his minister. King ने अपने minister के साथ सलाह की, मशवरा किया. And ruled deceivably. और अपना जो rule था, अपना जो शासन था, उसको अपने order को सुनाया. अब क्या सुनाया? It's True, your father is the true murderer. ये तो सही बात है कि तुम्हारे पापा ने ही मर्डर किया है इस व्यक्ति का, तुम्हारे पापा ने ही इस चोर को मारा है. His dad, but वो तो मर चुके. But somebody must be punished at his place, पर उसको के स्थान पर किसी ना किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलेगा ही. You have inherited everything from that criminal father of yours. अब तुम्हें तुम्हारे पापा के सब कुछ तो मिल गया. जब तुम उनके अपने पापा की प्रॉपर्टी के मालिक हो, तो जो उन्होंने गलत किया, हिज रिचेज, उनके सम्मान, उनका अपमान, जो भी है, उनके किए हुए का फल तो तुम्हें ही मिलेगा ना, एज वेल एज हिज सिंस, उनकी माल, उनके धन, उनकी दौलत, उन्होंने जो पाप किए वो सब तुम्हें ही मिलेगा. आई न्यू एट वंस इवन वैन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू,
अब राजा बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही समझ गया था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारे ऊपर पहली बार मेरी नज़र पड़ी, तो मैं पहले ही समझ गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस हॉरिबल मिस डरावने भयावने इस बराबने क्राइम क्राइम मिस अपराध अपराध की रूट जड़ और कोई नहीं तुम ही हो, यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक, अब राजा ने एक नए स्टेक मीन्स होता है स्टूडेंट्स फांसी का फंदा, बट यहाँ पे वो जो हाथ में लिए रहते हैं ना बड़ा सा कुलाड़ा सा वो है, तो एक अपोस्ट विद अ शार्प पॉइंटेड एंड यूज्ड टू पर्स थ्रू समथिंग, जिसको कुछ चीरने पाड़ने के काम में किया जाता है उसको स्टेक कहते हैं। तो अब राजा ने ऑर्डर दिया कि एक नया स्टेक मंगाया जाए टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजर, और इससे उसको सजा दी जाए, उससे उसको पनिशमेंट दिया जाए। एज द सर्वेंट्स एग्जीक्यूशन इज फांसी, एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग, इम्पेलिंग होता है स्टूडेंट्स टू पुश अ शार्प पॉइंटेड पोस्ट थ्रू समथिंग, किसी चीज पर उस शार्प पॉइंटेड उसको कुल्हाड़े को मारना। तो टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, जब पूरी तरह से फांसी की तैयारी हो गई, एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड, और सर्वेंट्स ने शार्प कर लिया, तेज कर लिया उस कुलाड़े उसको स्टेक को, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग, और वो अंत में उस पर चलाने के लिए तैयार हो गए, ऑफ द क्रिमिनल क्रिमिनल के ऊपर चलाने के लिए तैयार हो गए। तो इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, अब मिनिस्टर ने आकर के महाराज से कहा कि हे महाराज, ये जो आदमी है ये बहुत ही थिन मिस पतला है, बहुत कमज़ोर है और उस फांसी के फंदे पर सही नहीं बैठता है। तो ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब उसने राजा से जब अपील की, अपील मिस प्रार्थना की कि किंग राजा अपना महाराज अपना कॉमन सेंस लगाइए, तो राजा बहुत ही चिंतित हो गए इस बात को लेकर के कि अब फांसी पर कौन चढ़े, अब किसको फांसी दी जाए। व्हाट शैल बी डू ही सैड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब what shall we do? अब हम क्या करें? महाराज ने कहा when suddenly it struck him. अब उनके मन में एक अचानक आइडिया टकराया, एक विचार आया, क्या? All they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. कि चलो अब आप ये करो कि किसी न किसी मोटे से व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो इस फंदे में सही से बैठे। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, अब सर्वेंट्स को यहाँ वहाँ दौड़ा दिया गया, तुरंत भेज दिया गया कि फॉर ए मैन, लुकिंग फॉर में सर्च करना, तलाश करना कि ऐसे व्यक्ति की तलाश करके लाओ जो मोटा हो और इस फंदे में फिट बैठे। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल, अब उनकी जो आंखें थी जो उन्होंने दूध सर्वेंट्स भेजे थे उनकी आईज एकदम डिसिपल पर पड़ी। डिसिपल कौन है बेटा? बच्चों ये वही डिसिपल है, ये वही डिसिपल है, चेला है जो गुरु के साथ आया था गांव में और गुरु के साथ गया नहीं था वापस, यहीं रुक गया था। सॉरी वो हैड फैटन्ड, अब वो मोटा हो चुका था और मनसुन बनानास, क्योंकि कई महीनों से बनानास राइस वीट और घी खा रहा था तो अब ये बहुत मोटा हो चुका था। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड, दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट ही वुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, दे सैड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. Ab I
व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, हम क्या गलत कर रहे हैं, मैंने क्या गलत किया है। अब जो चिल्ला था वो चिल्लाने लगा, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत काम किया है, आई एम इनोसेंट, मैं तो एकदम क्या हूँ, इनोसेंट हूँ, नादान हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, दे सैड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज़ वर्ड्स। ये तो सही बात है, अब सर्वेंट्स ने जवाब दिया कि ये तो सही बात है, ठीक है, बट इट इज़ द रॉयल डिग्री, बट ये तो डिग्री मीन्स ऑर्डर, ये तो राजा का महाराज का ऑर्डर है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हम कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाएं जो उस फांसी के फंदे पर बिल्कुल फिट बैठे। दे सैड, सर्वेंट्स ने ऑर्डर दिया एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको फांसी की जगह पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे तुरंत अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आ गए। क्या कहा था बुद्धिमान गुरु जी ने, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये तो मूर्खों की नगरी है, यू हैवंट, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और वो इस नगर के लोग किस समय कब क्या कर दें नहीं पता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, गुरु जी ने अपने डिसिपल से ये कहा था। तो अब चेले को गुरु जी के वर्ड्स याद आए। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ, जब चेला मृत्यु की का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने मन ही मन अपने गुरु से जिसे प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेन एवर ही वॉज, और उनसे कहा कि जहाँ कहीं भी गुरु जी आप हो, मेरी पुकार सुन लो, मेरी चीख सुन लो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब जो गुरु जी थे उनके पास मैजिकल पावर थी, विजन मीन्स दिव्य दृष्टि, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, उससे वो ही कुड सी फार, दूर तक का देख सकते थे, ही कुड सी द फ्यूचर, फ्यूचर देख सकते थे, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और अपने चेले को बचाने के लिए वो तुरंत आ गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच आ स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज गॉट इन टू, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कोई फंस जाता है। अब देखा उन्होंने कि मेरा जो शिष्य है वो एक मुसीबत में फंस गया है, थ्रू लव ऑफ फूड, क्योंकि वो खाने का लालची था। एज सून एज ही अराइव्ड, अब जैसे ही गुरु जी आए, ही इज कॉल्ड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, अब गुरु जी ने कान में कुछ कहा किसके, चेले के, और उसको डांट फटकार भी लगाई, स्कोल्डेड मीन्स डांटना, उसको डांटा, डिसिपल को डांटा, और डांटते हुए कान में कुछ कह दिया, विस्पर मीन्स फुसफुसाना। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और फिर वो राजा के पास गए और एड्रेस्ड हिम, एड्रेस कहते हैं जब हम किसी को सम्मानित करके बोलते हैं, क्या कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल, ऑफ कोर्स द गुरु, ओ वाइजेस्ट किंग, हे बुद्धिमान राजा, ये बताइए कि महान कौन है, बड़ा कौन है, गुरु या चेला। तो अब महाराज ने कहा ऑफ कोर्स गुरु, गुरु है और कौन है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सॉरी, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, फिर आप ऐसा करिए कि मुझे पहले फांसी के पंदे पर चढ़ाइए और मेरे डिसिपल को उसके बाद मृत्युदंड दीजिए। When the disciple heard this, जब disciple ने इस बात को सुना, he understood and began to clamor, अब जब disciple ने इस बात को सुना, उस शिष्य ने गुरु जी की बात को सुना, तो उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, me first, मुझे पहले फांसी लगाओ, you brought me here first, तुम मुझे यहाँ पहले लेकर आए हो, put me to death first, not him, गुरु जी को नहीं, सबसे पहले मुझे फांसी के पंदे पर चढ़ाओ, मुझे मृत्युदंड दो। द
the guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और डिसिपल इस बात में लड़ाई करने लगे कि सबसे पहले फांसी का फंदा किसको लगे. द किंग वॉज पजल्ड बाय हिज दिस बिहेवियर. ही आस्क्ड द गुरु व्हाई डू यू वांट टू डाई. वी चोज हिम बिकॉज ही नीडेड वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस. पुट मी टू डेथ फर्स्ट रिप्लाइड द गुरु. द गुरु एंड डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट. अब जब गुरु और डिसिपल दोनों लड़ने लगे आपस में तो राजा जी ने कहा, महाराज ने क्या कहा, द किंग वॉज पजल, बहुत पजल हो गए. अब वो बड़े क्या करूं के ना करूं इस कंडीशन में हो गए. भाई दिस बिहेवियर, उनके इस बिहेवियर से ही आस्त गुरु. अब उन्होंने गुरु को बुला करके पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई. अच्छा गुरु जी बताइए आप पहले क्यों मरना चाहते हो. वी चोज हिम बिकॉज ही नीडेड वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक. हमने उस चेले को इसलिए चुना है फांसी के पद के लिए क्योंकि वो एक हमें एक मोटा आदमी चाहिए था. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस. तुम्हें उससे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए. गुरु जी ने कहा, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले फांसी दीजिए, रिप्लाइड द गुरु. गुरु जी ने जवाब दिया, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the Guru. अब गुरु जी ने कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चन मुझसे कोई मत पूछिए, आप मुझे फांसी लगाइए, इसमें एक रहस्य है. As a wise man, you must make me understand. अब आप बुद्धिमान हैं, आप मुझे समझ जाइए, मेरी बात को समझ जाइए. Will you promise me to put me to death if I tell you? Asked the Guru. फिर गुरु ने कहा, गुरु जी ने कहा, ठीक है यदि मैं तुमसे बता दूं कि हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं तो क्या आप मुझे पहले फांसी की सजा दोगे, मुझे पहले मृत्युदंड दोगे. द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड. अब गुरु किंग ने उनको सोलम वर्ड मीन्स प्रोमिस करना, प्रोमिस कर दिया कि ठीक है जैसा तुम कैसे कहते हो वैसा ही होगा. द गुरु टुक हिम असाइड. अब गुरु जी राजा को अलग लेकर के गई, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शोर, जिससे कि सर्वेंट उनकी बात को ना सुन सकें. एंड विश्वर्ड टू हिम, और उनके राजा के कान में गुरु जी ने कुछ कह दिया, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ. क्या कहा कि आप जानते हैं हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं. द टू ऑफ अस, हम दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं. वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. हम पूरे संसार में घूम लिए मगर आपके जैसे सिटी और आपके जैसे मैन हमें कहीं नहीं मिले, आपके जैसे राजा हमें कहीं नहीं मिले. दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. ये जो आपका फांसी का फंदा है ये भगवान का फंदा है, ये न्याय का फंदा है. इट्स न्यू, और ये नया भी है. इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. अभी इस पर किसी को भी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है. हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री. तो जो भी इस फंदे पर पहले लटकेगा वो ही इस राज्य का दोबारा पुनर्जन्म में राजा बनेगा. एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द ट्रू मिनिस्टर फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. और जो दूसरी बार इस पर मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा. वी आर सिक ऑफ अवर एस्टिक लाइफ. देखो हम पवित्र आत्मा हैं और हम जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. इट वुड बी नाइस to enjoy ourselves as king and minister for a while. अभी तक तो हम सन्यासी थे, हमने आज तक कुछ आनंद लिए ही नहीं है संसार में, जीवन में. तो अब आप ऐसा करिए कि हम, अब अच्छा होगा कि हम पहले मर जाएं और हम किंग और मिनिस्टर बन जाएं. Now keep your word, my lord, and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. अब महाराज आप अपने वचन को कीप योर वर्ड मीन्स अपने वचन को पूरा करिए, प्रोमिस को पूरा करिए, अपने प्रोमिस को पूरा करिए माय लॉर्ड महाराज. एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु दंड दे दीजिए. वी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रखना मी फर्स्ट रिमेंबर, पहले मुझे मानना. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट. अब राजा तो गहन विचार में पड़ गया, सोच विचार करने लगे. ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम ओ to someone else in the next round of life.
अगले जन्म में भी नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अगले जन्म में भी मैं इस कंट्री को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इस किंगडम को, इस राजधानी को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ही नीडेड टाइम, उन्हें सोचने का समय चाहिए। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इसलिए उन्होंने उस फांसी को नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया और अपने मिनिस्टर से बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। कहा कि देखो, ये उचित नहीं है कि हम अगले जन्म में भी अपनी राजधानी को किसी और के हाथों में सौंप दें। लेट अस गो ऑन द स्टेक अवर सेल्व्स एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग। एंड एज मिनिस्टर अगेन। देखो, चलो हम फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं अपने आप ही, और हम ही राजा और हम ही मिनिस्टर बन जाएंगे। यानी कि जब मैं पहले मरूंगा तो मैं राजा, और तुम बाद में मरोगे तो तुम भी मिनिस्टर बन जाओगे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। अब महाराज ने एग्जीक्यूशनर्स, फांसी देने वालों को, सजा देने वालों को ऑर्डर दिया। क्या कहा? वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, आज की रात हम तुम्हारे पास अपराधियों को भेजेंगे। When the first man comes to you, जब जो व्यक्ति तुम्हारे पास पहले आएगा, put him to death first, उसको पहले मार देना। Then do the same to the second man, और ऐसा ही दूसरे व्यक्ति के पास साथ करना। जो तुम्हारे पास दूसरा व्यक्ति आएगा उसके साथ तुम वैसा ही करना। Those are my orders, और ये मेरे orders हैं, महाराज ने कहा। Don't make any mistake, कोई गलती मत कर देना। That night the king had his minister banned secretly टू द प्रिजन। अब उस रात राजा और उनके मंत्री सीक्रेटली मिस चुपचाप टू द प्रिजन, जेल में गए। प्रिजन मिस जेल, जेल में गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, और रिलीज्ड मिस छोड़ दिया, मुक्त कर दिया गुरु जी को और उनके शिष्य को। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज मिस होता है भेष बदलना। अ डिफरेंट अपियरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी को छिपाने के लिए कोई दूसरा वेश बना लेना। themselves as the two and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। अब महाराज ने क्या कहा? उन दोनों को छोड़ दिया और themselves as the two, उन दोनों का वेश बना लिया। यानी कि खुद तो गुरु बन गए और मिनिस्टर को बना दिया मंत्री। and as arranged beforehand, और जैसे कि पहले तय हुआ था, विद लॉयल सर्वेंट्स, अपने वफादार, जो उनके वफादार महाराज के जो वफादार सर्वेंट्स थे उन्होंने वैसा ही किया। वैन टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, जो भी कोई आया पहले उसको पहले ही फांसी की सजा दे दी गई। वैन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्राउज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड। जब बॉडीज देखी गई, लोगों ने जब बॉडीज देखी कि ये तो राजा और मिनिस्टर की हैं, तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत आश्चर्यचकित भी हुए। दे saw before them the dead bodies of the king and the minister, उन्होंने अपने सामने राजा की और मिनिस्टर की डेड बॉडीज को देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, शहर में हल्ला गुल्ला मच गया। ये क्या कन्फ्यूजन है, महाराज कैसे मर सकते हैं? ऑल राइट दे मोंड एंड कस्ट द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब पूरी रात वो रोते रहे। मौन मिस बिलाप करना, जब कोई मर जाता है तो किसी के ऊपर बिलाप करना, रोने को बिलाप करना कहते हैं, मौन कहते हैं। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, अब ये उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया कि अब भविष्य में हमारा राजा कौन बने। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, अब पूरा शहर कन्फ्यूजन में था। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, अब कुछ लोगों को विचार आया कि जो गुरु और डिसिपल हैं। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, तुरंत पकड़ लिया उन्हें, क्योंकि वो भी बिना बताए वहाँ से भाग रहे थे। अननोटिस्ड मीन्स बिना बताए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन, किसी ने कहा कि हमें राजा और मंत्री की जरूरत है। तो समवन, वी नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन, अदर्स एग्रीड, दूसरे भी सहमत हो गए कि हाँ ये तो बात सही है। दे बैग्ड एंड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने गुरु से और डिसिपल से अपना किंग और मिनिस्टर बनने के लिए बैग्ड मींस प्रार्थना की। आई डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स,
It didn't take many arguments to persuade disciple. Persuade means मनाना, convince करना. अब disciple को तो मनाने में बिल्कुल भी time नहीं लगा क्योंकि वो तो वैसे ही लालची था. But it took longer to persuade the guru. पर गुरु को मनाने में थोड़ा time लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. अब वो अंत में इस बात पर तय किया उन्होंने कि ठीक है हम इस राज्य के राजा और मंत्री बन जाएंगे ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज कि जितने भी पुराने नियम हैं कानून हैं हम उन सबको चेंज करेंगे इस कंडीशन पर हम राजा बन सकते हैं और मिनिस्टर यानी कि गुरु राजा बनेंगे और शिष्य मिनिस्टर फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन द डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू डू It became like any other place. अब क्या हुआ उसी समय नाइट नाइट में बदल गए और दिन दिन में बदल गए यानी कि रात का काम दिन में नहीं होगा और दिन का काम रात में नहीं होगा जो काम रात में होता है वो रात में होगा जो काम दिन में होते थे वो दिन में होंगे फिर से सब नॉर्मल हो गया एंड यू couldn't get nothing for a doo-doo और एक doo-doo में कुछ नहीं मिलेगा इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस जैसे और राज्यों में राज्य चलता था वैसे ही हो गया और गुरु राजा बन गए और उनके डिसिपल मिनिस्टर बन गए तो ये तो थी कहानी आपकी स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल स्टे होम स्टे सेफ कन्नू